सोलन के जरास काम के जंगलों में अचानक आग भड़ गई और देखते ही आग समूचे जंगल में फैल गई। इस जंगल में क्योंकि सड़क नहीं है इसीलिए यहां दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच नहीं सकती थी और आग लगातार भयंकर रूप लेती जा रही थी। आग की वजह से पशुओं को चारा देने वाला घास भी इस आग की चपेट में आ गया। अगर समय पर इस आग को बुझाया न जाता तो ये आग आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच सकती थी। इस आग को देखकर बच्चों ने इस आग को बुझाने का बीड़ा उठाया। बस फिर क्या था, बच्चों की फौज के आगे आग धीमी पड़ती गई। बच्चों के हौसलों को देखकर आसपास के गांववासी भी एकत्रित होना आरंभ हो गए और आग के बढ़ते विकराल रूप पर करीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद नियंत्रण पाया गया। इस बहादुरी के कारनामे से जहां पशुओं का चारा आग की भेंट चढ़ने से बच गया, वहीं वन संपदा को होने वाले नुकसान को भी बच्चों ने बहादुरी से बचा लिया। इस पर बच्चों ने बताया कि जंगल में वेर की शेर में आग आरंभ हुई थी जो फैलते फैलते जरास गांव तक पहुंची, जिससे वह लगातार बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके गांव तक कोई सड़क नहीं है इसीलिए इस आग को दमकल विभाग द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वह खुद ही इसे बुझाने में लगे। उन्होंने बताया कि आग से उनके गांव को बहुत से हानि झेलनी पड़ी है। जो गाँव बेर की शेर और जरास तक पहुंची, आग में बहुत नुकसान हुआ। गांव के लोग बुझाने आए इस आग को। यहाँ पर रोड की कोई फैसिलिटी नहीं है इसलिए कोई फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकी। ये कोशिश अभी भी जारी है। आग लगी और इस टाइम होगा हमारे को आग बुझाते बुझाते कोई सुविधा नहीं है सड़क की, ना फायर ब्रिगेड है।